सैमसंग गैलेक्सी M32 लावा का नया TWS ईयरफोन, माइक्रोमैक्स का नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन, उसके अलावा और भी काफी सारी नई टेक न्यूज आज मैं आपके लिए लाया हूँ। सो हे गाइस, मेरा नाम है ब्रिज और टेक न्यूज एपिसोड 520 में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज की बात करें तो पहली न्यूज है वीवो की तरफ से। तो वीवो ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनका नया 5G स्मार्टफोन वीवो V21e 5G इंडिया में लॉन्च हो जाएगा 24 जून को। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया में 20-25 हजार रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च हो जाएगा। इस स्मार्टफोन की अगर आपको कोई भी डिटेल्स जाननी है तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको कार्ड पर मिल जाएगी, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, माइक्रोमैक्स का नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स In2C Geekbench की वेबसाइट पर आज लिस्ट हो गया है। और दोस्तों, इस लिस्टिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि यहां पर हमें यूनिसोक का प्रोसेसर मिलेगा, 4GB की रैम मिलेगी एंड एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। और ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में 5-6 हजार रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च करने वाला है माइक्रोमैक्स। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन इंडिया में आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। इंडिया में ये स्मार्टफोन आज लॉन्च हुआ है 15 हजार रुपए की प्राइस पर, 14999 रुपीज की प्राइस पर यह स्मार्टफोन आज लॉन्च हो चुका है इंडिया में। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, जिसकी लिंक आपको कार्ड पर मिल जाएगी, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि यह स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, लेकिन उस वीडियो में मेरे से बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मैंने वहां पर G80 प्रोसेसर को गलती से G85 प्रोसेसर बोल दिया है एंड 2 मेगापिक्सल के सेंसर को गलती से बोल दिया है 5 मेगापिक्सल का। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मेरे नए वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, अगली न्यूज भी सैमसंग की तरफ से ही है। तो सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M21 का 2021 एडिशन अपीयर हो चुका है गूगल सपोर्टेड डिवाइस लिस्ट पर। और इस लिस्टिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन सैमसंग काफी जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाला है। सो गाइस, रियलमी का नया स्मार्टफोन जिसका नाम रियलमी G1 होने वाला है, वो स्मार्टफोन आज ऑफिशियली लिस्ट हो गया है रियलमी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों, इस लिस्टिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि रियलमी का ये नया स्मार्टफोन इंडिया में रियलमी काफी जल्दी लॉन्च करने वाला है। इस स्मार्टफोन में हमें क्या फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मुझे जैसे ही कोई डिटेल्स मिलेगी तो मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। और दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है लावा की तरफ से। तो लावा ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनका नया TWS ईयरफोन इंडिया में वो लोग काफी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और दोस्तों, लावा ने ये भी टीज किया है कि TWS ईयरफोन के साथ लावा अपने काफी सारे और भी नए ऑडियो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है इंडिया में, यानी कि काफी सारे नए ऑडियो प्रोडक्ट्स लावा की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की टेक न्यूज खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।